लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का जो कि है पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस क्या होती है? देखिए जिन भी बच्चों के चश्मा लाना होगा उन्होंने ये शब्द सुना हुआ होगा कि भैया तुम्हारी पावर, चश्मे की जो पावर है वो कितनी है, ठीक है ना। जो हमारे चश्मे का नंबर होता है वो एक्चुअली हमारी पावर ऑफ लेंस होती है, वो उसकी फोकल लेंथ नहीं होती, ठीक है। तो एग्जैक्टली पता चलेगा पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो पावर ऑफ द लेंस इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब कि कोई लेंस कितनी रेस को कन्वर्ज कर सकता है और कितना उनको डाइवर्ज कर सकता है, वो पावर ऑफ लेंस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों में फर्क क्या है? देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा है और एक कॉन्वेक्स लेंस पतला है। अच्छा, जब ये कॉन्वेक्स लेंस मोटा है तो इस वाले सरफेस का अगर मैं ये देखूं तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा और इसका फोकल लेंथ यहां, फोकस यहां कहीं होगा, ठीक है। तो अगर मेरा लेंस मोटा है, थिक लेंस, अगर लेंस मेरे पास थिक है तो उसका फोकल लेंथ कम होगा। अब ये मेरे पास एक दूसरा लेंस है, पतला लेंस है, तो ये उसका कर्वेचर ऐसा है, तो ये जिस सर्कल का सेंटर रहा होगा उसका सेंटर यहां है और उसका फोकल लेंथ यहां है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट आएगी, मैं इस पे जरा एक बार प्रिंसिपल एक्सिस यहां बना लेता हूं, ठीक है, रेज ऑफ लाइट आई और वो आके मेरी टकराई इस हिस्से पे, और यहां से वो जो भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी उसको कहां से होके जाना पड़ेगा, उसको फोकल लेंथ से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो रहा थिक लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम थी। अब देखते हैं हमारा थिन लेंस जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई वो यहां से टकराई तो वो फोकल लेंथ से होके गुजरेगी, ठीक है। अब वो फर्क क्या है, ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है क्या? देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन बना लेता हूं, ये हमारा कोई एंगल है, ये है डेविएशन का एंगल कि लाइट टकराने के बाद कितनी डेविएट हुई। एक सेम एंगल मैं यहां भी बना लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मेरी फोकल लेंथ बढ़ी, देखो मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम थी, पतले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा थी, ये तो आपको देख के पता चल रहा है। और जैसे जैसे मेरी फोकल लेंथ बढ़ती जा रही है, मैं एक केस और बनाऊं जिसकी फोकल लेंथ मान लो कि यहां पे हो, एक लेंस और इमेजिन करते हैं जिसकी फोकल लेंथ यहां पे है, तो सेम जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगी इस एंगल के साथ क्या होगा? देखिए अभी ये एंगल इतना था, फोकल लेंथ बढ़ गई, ये एंगल इतना था, देखो शॉर्टर फोकल लेंथ सबसे बड़ा एंगल, उससे बड़ी फोकल लेंथ थोड़ा छोटा एंगल, और बड़ी फोकल लेंथ और छोटा एंगल। तो जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, दिस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब जैसे जैसे हम अपने लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं हम उसकी कन्वर्जिंग पावर कम करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जितना मोटा लेंस होगा, मतलब जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी, यही हम देखते हैं। हम कहते हैं ना यार तेरा लेंस कितना मोटा है, मतलब उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है ना। ये है बात कन्वेक्स लेंस में, कॉन्केव लेंस में वो डाइवर्जिंग की सेंस में आएगा। कन्वेक्स लेंस में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसको समझना एज कंपेयर इजी हो जाता है। तो अभी देखो, मोटे लेंस में फोकल लेंथ कम और थिन लेंस में फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा। और अगर फोकल लेंथ हमारी ज्यादा होती जा रही है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस रिड्यूस होती जा रही है, और डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस रिड्यूस होती जा रही है तो मैं ये कह रहा हूं आपकी पावर ऑफ लेंस कम होती जा रही है, ठीक है। इस केस में क्या है, आपका लेंस मोटा था, फोकल लेंथ कम थी और पावर क्या थी, ज्यादा। ये हमने देखा ना, क्योंकि ये जो डेविएशन का एंगल है सबसे ज्यादा है, एंड दिस रिप्रेजेंट द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गई, पावर ऑफ लेंस इज इन
प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है, अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है तो पावर ऑफ ए लेंस कम हो रही है, और अगर फोकल लेंथ कम हो रही है पावर ऑफ ए लेंस इंक्रीज हो रही है। तो हम लिख सकते हैं पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला बन गया पावर ऑफ लेंस का, कि भैया हमें क्या करना है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लेना है एंड इट विल बी अवर पावर ऑफ लेंस। तो दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए पावर ऑफ लेंस की, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। हमने अभी तक क्या देखा है, फोकल लेंथ को अपने न्यूमेरिकल्स में भी सेंटीमीटर में किया है, बट पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए फोकल लेंथ को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो वन, तो पावर ऑफ ए लेंस की एक नई यूनिट आती है जिसको हम कहते हैं डायोप्टरेस, DIOPTRES, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल डी लिखते हैं, विच इज नथिंग बट पर मीटर या 1/मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पावर ऑफ ए लेंस की यूनिट है डायोप्टरे, डी या पर मीटर या 1/मीटर। अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी थी, नेगेटिव थी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो पावर लिख लीजिए, पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव और पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अगर हम पावर की बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, वो होगी पॉजिटिव और यूनिट होगी डायोप्टरेज में। अगर हम पावर की बात करें कॉनकेव लेंस की, वो होगी नेगेटिव में और यूनिट होगी डायोप्टरे। अब आपको पता चल जाएगा कि जो आप चश्मा लगाते हो वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। जो आपको डॉक्टर ने पर्चा दिया होगा उसमें देखो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, अगर प्लस का नंबर है तो आप कौन सा यूज करते हो, कॉन्वेक्स, अगर माइनस का साइन है तो आप कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पावर की। ओके, हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, अब चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, अब देखते हैं। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है, तो उसमें जो फोकल लेंथ है सबसे पहले ये ध्यान देने वाली है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की। ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ है कितनी, -2 मीटर। ठीक है, जब हम पावर निकालते हैं तो फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू 1/-2 मीटर, दैट इज पावर इज इक्वल टू 0.5 डायोप्टरेस, और साइन आएगा इसका माइनस, बहुत सिंपल है, और माइनस साइन इट शोज दैट द लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में कहा है एक कॉन्वेक्स लेंस, हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, मतलब कि इमेज यहां की तरफ बनेगी, मैं जरा इसको बनाता चला जाऊंगा, इमेज हमारी राइट हैंड साइड की तरफ बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो इमेज बनेगी 50 सेंटीमीटर की दूरी से बनेगी। ठीक है, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द मिरर, मतलब कि जो इमेज बनेगी ना, हमने यहां कहीं कोई मिरर रखी है, ये हमारी सुई है मिरर, तो ये कह रहा है कि जो सुई का साइज है वो ही इमेज का साइज है। ठीक है, और जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो मुझे ये बताओ कि जो वो नीडल है वो नीडल लेंस के कहां पे रखी हुई थी, यू निकालना है मुझे, तो कहां रखी होगी। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस पढ़े हैं, 6 में से केवल एक केस ऐसा था जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f पे, याद आया, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लो कि ये मेरा 2f है, ये f है, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा
तो इसकी इमेज भी सेम साइज की यही बनेगी। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये इसका एफ डैश है, ये इसका टू एफ डैश है, ये चीज हम देख चुके हैं ना। तो इमेज इसकी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी है, मतलब v इज इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर। तो उस केस में u कितना होगा भाई साहब? u भी उस केस में 50 सेंटीमीटर ही होगा, मगर साइन नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। ठीक है, ये केस हम पढ़ चुके हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें अगला पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, जो ये लेंस लगा हुआ है इसकी पावर कितनी है? तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, वन अपॉन एफ होता है। अभी इसको मुझे कहीं एफ नहीं दे रखा, तो इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें पता है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि यहां इसकी कन्वर्जिंग पावर आ रही है। ठीक है, अभी फोकल लेंथ होगी कितनी? देखिए ये डिस्टेंस है 2f, ठीक है, और जो f होता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2f डिवाइडेड बाय 2। 2f मुझे दे रखा है 50, 2f मुझे दे रखा है 50, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 50 बाय 2, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अभी इसकी फोकल लेंथ आई है, पॉजिटिव में आई है, इसकी पावर नहीं आई है। तो पावर के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 बाय f का। तो पावर हो जाएगी 1 बाय 25। अगर ये सेंटीमीटर में है और मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ऐसे हम लिख सकते हैं, आपको याद हो मैंने सिखाया था आपको के एच डी एम डी सी एम, ये है हमारा मीटर और ये है सेंटीमीटर, तो मुझे उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये आ गया 0.25 मीटर। तो पावर हो गई 100 डिवाइडेड बाय 25 1 4, तो वन अपॉन मीटर ऑफ डायोप्टर, तो पावर इज इक्वल टू प्लस 4 डायोप्टर। प्लस का मतलब ये है ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक टॉपिक जो हमने नहीं पढ़ा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या है, हम अलग अलग पावर की लेंस को अल्थमेटिकली प्लस और माइनस करते जाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास दो लेंस है, दोनों लेंसों को मैंने जोड़ दिया और उससे मैंने एक कॉम्बिनेशन लेंस बना दिया, तो मुझे उसकी पावर निकालनी है और मुझे उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो जो पहला लेंस था उसकी पावर थी प्लस 3.5 डायोप्टर और जो दूसरा लेंस था उसकी पावर थी माइनस 2.5 डायोप्टर। ये चीज पूछी नहीं है बट मैं फिर भी बता दे रहा हूं, ये प्लस में है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये नेगेटिव में है तो ये कॉनकेव लेंस है। अच्छा, अब मुझे इसकी कॉम्बिनेशन पावर निकालनी है, सिंपल P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू प्लस 3.5 डायोप्टर माइनस प्लस ऑफ माइनस 2.5 डायोप्टर, दैट इज प्लस 1 डायोप्टर। ये हमारी नेट पावर आई है उस कॉम्बिनेशन लेंस की। ठीक है, पावर तो आ रही हमारी प्लस 1 की। अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर हमारी आ गई है 1, तो फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारी 1 मीटर। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बस यूनिट का फर्क है। अब हम यहां पे अपना चैप्टर फिनिश करते हैं जो था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे।